और आपको इस वक्त सीधे दिल्ली के अमर जवान ज्योति ले चलते हैं, जहां पर देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इस वक्त शहीदों को नमन कर रहे हैं। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस का पद खाली था और उस पद पर तकरीबन 10 महीने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान की नियुक्ति हुई है और देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं और इस वक्त आज वो चार्ज लेंगे। और चार्ज लेने से पहले अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं इस वक्त देश के नए सीडीएस, और शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, उन शहीदों को इस वक्त नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नमन कर रहे हैं। तो शहीदों को नमन करने के बाद अब रवाना हो गए हैं। ये संभवतः उनके पिता हैं जिनका आशीर्वाद उन्होंने लिया, परिवार के सदस्य उनके मौजूद हैं और 3 सेनाओं के बीच सामंजस्य कोऑर्डिनेशन के लिए एक नए पोस्ट का इजाद किया गया था, जिसमें जनरल विपिन रावत की तैनाती भी थी। फिर 10 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर की दुर्घटना होने पर उनका निधन हुआ। उसके बाद से पद खाली था, जिसमें उत्तराखंड के ही पौड़ी के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति हुई है।